एक शख्स को प्रताड़ित करने की चौंकाने वाली सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। सीसीटीवी में साफ तौर पर दिख रहा है कि फतेहाबाद के बाजार में चार लोग एक शख्स की बुरी तरह से पिटाई कर रहे हैं। उन लोगों ने पीड़ित व्यक्ति पर लाठी, डंडे और ईंट से दिन दहाड़े हमला कर दिया और आम जनता बस देखती रही। स्थानीय लोग पीड़ित को बचाने तब आए जब हमलावर वहां से चले गए। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। ये सीसीटीवी फुटेज है, आपके स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं किस तरीके से हरियाणा की ये खबर है, चौंका देने वाली खबर है। टीवी स्क्रीन पे जो आप घटना देख रहे हैं इस वक्त, दिन दहाड़े जिस तरीके से कहते हैं कि पूरा अगर आप देखें तो भीड़ वहां पे जमा है, लोग जमा है और कैसे एक व्यक्ति की कुछ लोग मिलकर डंडे और ईंट से पिटाई कर रहे हैं, इसका पूरा फुटेज भी सीसीटीवी में कैद हुआ है, आपके टीवी स्क्रीन पर है। और इससे ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं अपने सहयोगी गुरप्रीत के पास। जी गुरप्रीत, सबसे पहले तो ये चौंकाने वाली खबर है और दिन दहाड़े हरियाणा में इस तरीके की खबर आई है, कितना ही ये चौंकाने वाला है और इसमें क्या लेटेस्ट अपडेट है आपके पास? जी देखिए, ये जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज है इससे कई क्वेश्चन, कई सवाल खड़ा करते हैं हरियाणा सरकार पे और के लॉ एंड ऑर्डर शेप में नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही नितिका का मर्डर हुआ है ब्रॉड डे लाइट में और उसके बाद बहुत ज्यादा अपलोड हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, व्यवस्था कहाँ है। अगर हम इस सीसीटीवी कैमरे की बात करें तो सीसीटीवी कैमरा में हम देख रहे हैं कि एक शख्स को चार लोग लगातार मारे जा रहे हैं और बड़ी मार्केट में मारे हैं, जो सबसे बड़ा सवाल यह चिन्ह है कि बड़ी मार्केट में यहाँ के पुलिस की पेट्रोलिंग होनी चाहिए, पुलिस का डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए, उसके वहां पे ये अटैक किया गया है। जबकि पुलिस का कहना है कि वो सीसीटीवी फुटेज उसकी तहकीकात कर रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है पुलिस को कहीं ना कहीं इनके आपस में कोई दुश्मनी या कोई रंजिश या कोई आपस में लड़ाई झगड़े का कारण हो सकता है। लेकिन इस बात को लेके सबसे बड़े सवाल लोगों ने उठाए हैं। वहां पे हम देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरा फुटेज में कि लोग भी खड़े हुए हैं, लोगों का ये कहना है कि इससे ये लगता है कि जो हरियाणा पुलिस का उसका कहीं खौफ नहीं रहा और ये जो इंसिडेंट है, क्योंकि पहले भी जो ब्रॉड डे लाइट में मर्डर हुआ नितिका का, उसके बाद कई सवाल खड़े किए गए पुलिस पे भी, वहाँ वाले जी बिल्कुल गुरप्रीत सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा पुलिस पर इस घटना के बाद सच में कई सवाल उठ खड़े हुए हैं।